सो स्टोरी ऐसा था कि ये जो विष्णुपद मंदिर है ना, ये दुनिया में सिर्फ एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे विष्णु भगवान के पैरों के निशान है। साइकिल चलाने का मूड नहीं हो रहा है और आगे कहाँ जाना है ये भी पता नहीं। हेलो, कैसे हो संगवारी मान? पीछे दिख रहा है आपको यही डुंगेश्वरी का जो गुफा वाला जो पहाड़ है ना, ये वही वाला दिख रहा है। उसी के बगल बगल नदी के उस पार नहीं हूँ मैं, अभी इस पार हूँ। मैं गया तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से पास में एक तो विष्णुपद करके एक मंदिर है, बहुत ही पॉपुलर है, तो वहीं जा रहा हूँ। खाना वाना नाश्ता वाश्ता हो गया, रूम छोड़ दिया, अब आगे निकलते हैं। अब कहीं पे रुकेंगे आज, पता नहीं कहाँ रुकना है, देखते जहाँ तक जा सके। 11 तो बज गया आज। कोई भी दूसरा स्टेट हो, मतलब अभी तक तो मैं सिर्फ झारखंड और बिहार में ही चलाया हूँ साइकिल, तो अपने छत्तीसगढ़ के जैसा नहीं है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ही रहता है कहीं भी चले जाओ तो, इसलिए ना बेयर ग्रिल्स जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड में चिल्ला चिल्ला के बात करता है ना, बस मेरे को भी वैसे ही चिल्ला चिल्ला के बात करना पड़ रहा है। अभी राजगीर 65 किलोमीटर है और पटना 124। अभी तो नहीं जाएंगे वैसे, राजगीर में ही है अपना, क्या बोलते हैं, नालंदा, और बहुत सारा चीज़ है राजगीर में, बट अभी नहीं जाएंगे उस डायरेक्शन में, मेरे को जाना ही नहीं है। ये भाई ऐसे गली गली में निकलना है और आ ही गया मंदिर मेरे ख्याल से। मज़ा भी आ रहा है, मज़ा नहीं भी आ रहा है। इट्स लाइक 50-50 फीलिंग है अभी मेरे लिए, क्योंकि मेरे को व्लॉग अपलोड करने का और व्लॉग एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा है। इतना ट्रैवल करना मैं चाहता हूँ, मेरे को ट्रैवल भी करना है, बट साथ साथ में जो पेंडिंग काम है उसको मैं अपलोड करके हटाना भी है। भाई काम का लोड बढ़ जा रहा है ना, वो दिक्कत है। इसलिए मेरे को कहीं एक ना एक दिन या फिर 2 दिन रेस्ट करना है, ताकि जितना पेंडिंग काम पड़ा हुआ है, करीबन 8 या 9 ठो वीडियो अपलोड करना बचा है, वो सब अपलोड हो जाता तो सही रहता। सो मेरे पीछे आपको जो दिख रहा है यही है विष्णुपद मंदिर, यहीं पे विष्णु भगवान के पैरों के निशान आपको मिलेंगे। पीते हैं भाई, बहुत प्यास लग रहा है। देवघाट जाने का रास्ता, चलते हैं भाई देवघाट। मंदिर के अंदर तो फोन वोन कैमरा वगैरह अलाउड है नहीं, इसलिए अपन लेके गए नहीं, जमा करना पड़ता है। बगल में लॉकर था 10 रुपये लिखा सबमिट करने का। अभी मैं खड़ा हूँ फागू नदी में, पानी तो पूरा सूख गया है, देखो पूरा पूरा का पूरा सूख गया है। यहाँ पे आरती भी होता है, जैसे अपना गंगा आरती होता है वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है श्री फागू महा आरती करके। इस घाट का नाम है देव घाट और मैं गया था अभी विष्णुपद मंदिर। और घाट के उस तरफ में एक और वो है, एक मंदिर सीता कुंड बोलते हैं, इधर पर भी एक सूर्य कुंड है, पता नहीं वो कहे कहाँ है। सीता कुंड का स्टोरी तो मैं जानता हूँ, बताता हूँ मैं आपको। सीता कुंड में सीता माता ने अपने पिताजी के पिंड दान दिए थे। अब ये पिंड दान क्या होता है, हिंदू धर्म के अनुसार जैसे कि हमारे जो रिश्तेदार हैं जो ख़त्म हो गए रहते हैं, जिनकी मृत्यु हो गई रहती है, तो पितर के समय पर वो 15 दिन के लिए आते हैं धरती पे वापस, ऐसा हम लोग का मानना है। तो उस 15 दिन हम लोग भोग लगाते हैं बाकायदा घर में। सो वैसा ही कुछ पिंड दान, मेरे को एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं क्या है, तो मैं नहीं बता पाऊँगा आपको। सो स्टोरी ऐसा था कि ये जो विष्णुपद मंदिर है ना, ये दुनिया में सिर्फ एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे विष्णु भगवान के पैरों के निशान है। हुआ क्या, एक सुर था, राक्षस था, जिसका नाम था गयासुर। तो उसको मारने के लिए हुआ क्या, एक पत्थर है, पत्थर शिला धर्मवत्ता नाम का, तो उसको लेके आया गया था। और उसको लाने के बाद क्या किया था, गयासुर के ऊपर पे उस पत्थर को रख दिया गया था। और उसके बाद फिर विष्णु भगवान अपना पैर से उसको दबाए, तब जाके गयासुर मरा। तो जब वो गयासुर मरा तो वो पत्थर के ऊपर ही अपना पैर रखे थे ना, तो उस पत्थर में भगवान का पैरों का निशान है। सो दिस इज़ द ओनली प्लेस वेयर यू कुड फाइंड द फुटप्रिंट ऑफ लॉर्ड विष्णु। वैसे यहाँ पे लाशों का अंतिम संस्कार करने भी आते हैं, पीछे में हो रहा है। तो इट्स काइंड ऑफ आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट, इट्स काइंड ऑफ अ सैड प्लेस। यहाँ पे श्राद्ध करने आते हैं, पिंड दान देने आते हैं और
ज़्यादा कुछ मेरे को पता नहीं, तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, जो थोड़ा बहुत मेरे को पता था मैं वो बता रहा हूँ आपको। गया की गलियों से मैं भी कुछ पल में गया भाई। यहाँ पे तो गली में भी जाम लग गया है। जाम काहे का है? अच्छा, एक स्कूल बस आया है। झारखंड का ट्रैफिक तो देखा था, आज अपन बिहार का भी ट्रैफिक देखते हैं। गया का ट्रैफिक है, गया में तो ट्रैफिक देख के भाई परेशान हो गया था मैं, इसलिए मैं बोला वीडियो नहीं बनाते जब तक बाहर नहीं निकलूँगा। जब तक थोड़ा शांत वाला फील नहीं आएगा तब तक वीडियो नहीं बनाऊँगा। बहुत देर बाद वीडियो शुरू किया हूँ। करीबन गया से 15 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। चूरी करके गाँव क्रॉस किया पीछे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कुछ भी अच्छा दिख रहा था, अच्छा वो है यार, क्या बोलते हैं, पत्थर का माइंस है यार, एकदम ज़बरदस्त दिख रहा है। मेरे को कब से ना ये ऐसा लग रहा था कि वो है पहाड़ है, ऐसा कुछ नहीं, ग्रिल लग गलती से दिख गया। साइकिल चलाने का मूड नहीं हो रहा है यार, फिर से बोलता हूँ, साइकिल चलाने का मूड नहीं हो रहा है। और आगे कहाँ जाना है ये भी पता नहीं, कहीं तो रुकना पड़ेगा। लेकिन आज सासाराम पहुँच नहीं पाऊँगा, यहाँ से 100 किलोमीटर है सासाराम। यहाँ से पंचानपुर 18 किलोमीटर दिखा रहा है यार, वो 8 के पहले 1 मिट गया है। और दाऊद नगर 58, दाऊद जगह का नाम क्या, फतेहपुर बोल रहे फतेहपुर। और भैया से ऐसी बात कर रहा था 2 मिनट रुके थे, तो भैया बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ के बारे में क्या सुने, भैया बताइए ना आप छत्तीसगढ़ के बारे में क्या सुने, बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना। ये लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसा पुलिस से मारता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, सुरक्षित जगह है छत्तीसगढ़। मतलब अब गए नहीं हो तो मतलब अब हाँ, ऐसे लोगों से हम लोग भी जैसे बिहार जाते तो हम लोग भी लोग बोलते कि ऐसा लूटपाट होता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, बस बोलने का है। हर जगह पैसा है जाने में, वही बोलते हैं, बस जब तक जाएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। इधर बिहार में ना सरसों का बहुत खेती होता है, अभी तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये लो मेरे बोलते ही आ गया सरसों का तेल, सॉरी यार, सरसों का खेत राइट साइड पर, दूर दूर तक सिर्फ सरसों का खेत है ना। बट बीच में जब गया का टाइम पे था, जब बहुत ट्रैफिक था ना उस टाइम पे, तो राइट लेफ्ट दोनों पे था इतना सारा। मंदिर है, मतलब कौन से भगवान का मंदिर है ये वाला? डाक बाबा। तो मतलब यहाँ पे लोग ऐसे मतलब सिक्का फेंक फेंक के जाते हैं अपने, मतलब कुछ मन्नत मांगते हैं। क्या पावन धराते हैं? क्या क्या पावन धराते हैं? क्या पावन क्या होता है वो? अच्छा, कुछ सामान चोरी हो गया तो चढ़ाने से मिलता है। अच्छा बस ऐसे रैंडमली रुका था मैं पानी पीने के लिए मंदिर के बगल में, तो हुआ क्या पता है, सबसे पहले एक तो सुमो आया सामने से और आके रॉन्ग साइड पे आया, रुक गया और सामने से दो तीन लोग क्या बोलते हैं सिक्का फेंके और चले गए। तो मेरे को एकदम अलग लगा, अजीब लगा। तो ये लोग दौड़ के आए थे, बोला क्या हो गया करके, समझ नहीं आया। फिर लड़के लोग आए ना, तो भैया लोग सिक्का फेंके हुए थे ना, उसको लोग पकड़ के जाके फिर भगवान के ऊपर चढ़ाए। फिर मैं वही पूछा तो बता रहे थे कि डाक बाबा का मंदिर है, कुछ भी चोरी होता है जाके चढ़ा दो मिल जाएगा। अच्छा है भाई, अभी मैं कोच में हूँ, कोच इस गाँव का नाम है कोच, लेकिन यहाँ पर एक भी लॉज नहीं है, ना एक लॉज है ना होटल है, कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसे पूछा मैं रैंडम एक भैया से, वो बोले है ही नहीं यहाँ पे। तो बोले कि गो करके एक जगह है आगे 9 किलोमीटर, वहाँ मिल जाएगा पक्का, बोले बस 9 किलोमीटर तो चलते हैं यार, ज़्यादा दूर नहीं है, 4:30 हुआ है, मतलब 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। कोच में मेरे को रूम मिला नहीं, तो फिर वहाँ से गो करके गाँव है मतलब 10 या 12 किलोमीटर आगे, तो वहाँ पर मैं जाके लॉज खोज रहा था, तो एक भी लॉज नहीं मिला ना, सिर्फ एक था अपना प्लाजा करके, तो वहीं पर मैं डॉर्म लिया था, 400 रुपये पड़ा था, लेकिन वाला फुटेज डिलीट हो गया है, इसलिए मैं यहाँ से बना रहा हूँ। अभी तो वैसे मैं लखनऊ में हूँ, वीडियो बहुत धीरे धीरे आ रहा है, टाइम लगेगा, अब जो है सो है भाई। आशा करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।